तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता। संसद के बाहर अगर विपक्ष प्रदर्शन करता है, धरना देता है, तो गिरफ्तारियां होती हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र बिल्कुल नहीं चाहता, सत्ता पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि इन मुद्दों को उठाया जाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर सरकार कुछ नहीं कहती। आज देश में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ चार तानाशाही हैं, ये कहा है राहुल गांधी ने। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाना है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के विधायक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पार्टी का तिरंगा यात्रा शुरू हो गया है, और जो पार्टी के तमाम विधायक हाथों में तिरंगा लेकर निकले हैं, ये देखिए विरंची नारायण ने एक मिनट, ये आप देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं तिरंगा लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी विधायक हैं और साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले, और हम लोग यही आज के दिन में लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि देश आजादी के आज 75 साल पूरे हो रही है, और इस 75 साल में सभी हम लोग अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाए, और सभी लोग अपने अपने घर में तिरंगा झंडा लहराए। यही आज के दिन में हम लोग सभी भारतवासी, झारखंडवासी, गांववासी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता, और इस बीच सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं रांची से। महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस प्रदर्शन किया है, धरना दिया, और देखिए ये निकले थे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, यहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई है। सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, इस दौरान धक्का मुक्की हुई, अब हिरासत में लिए जा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया, राजभवन मार्च किया, और ये राजभवन मार्च के लिए जब देखिए वहां पर पहुंचे हैं नेता और कार्यकर्ता, वहां पर सुरक्षा बलों के साथ। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे, और इस दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई है। और हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, तस्वीरें जो दिख रही हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की भी है। जी बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राजभवन के घेराव के दौरान जी गेट तक पहुंचा था, और जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए सीधी तस्वीर राजभवन के मुख्य द्वार का है, जहां पर जो कांग्रेस के लोग पहुंचे थे उन्हें बल प्रयोग करके हटाया जा रहा है। देख सकते हैं यहां पर अभी भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मौजूद है, कई महिलाएं मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह से आप देख सकते हैं गहमा गहमी थी, और जो तैयारियां थी, जिस तरीके से बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इनपुट जो था उसकी कमी यहाँ पर देखने को मिली। राजभवन तक लोग पहुंच गए, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद थे, इसके अलावा कई अन्य नेता मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहां पर दीपिका पांडे भी मौजूद हैं, क्या कुछ कह रही हैं हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे। दीपिका जी जिस तरीके से बल प्रयोग हुआ है, क्या सोनिया राहुल राज
ब्रजेश ठाकुर भी आ चुके हैं दरवाजे पे, मुख्य मुख्य जो गेट है राजभवन का, वहां पर पहुंचे हैं कांग्रेस जो यहां पर है। गुत्थम गुत्थी देखने को मिल रही है लगातार, आप साफ तस्वीर देख सकते हैं। मुख्य नजारा है कि कोई राजनीतिक दल का प्रोटेस्ट राजभवन के दरवाजे तक पहुंचा हो। देख सकते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे हैं, कांग्रेस के नेता शमशेर आलम दिखाई दे रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता यहां पर मौजूद है। तो सीधी तस्वीर ये राजभवन से ये दिखा रहा है। देखिए ये बल प्रयोग करके फिर से इन्हें पीछे ढकेला जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ है। महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है। महंगाई की बात करें, जीएसटी की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर ये प्रोटेस्ट है। ये सीधी तस्वीर राजभवन के बाहर का, अमूमन ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था। तो पहले रोक लिया जाता था तो जो राजभवन के पास जाकिर हुसैन पार्क है वहां पर, लेकिन इस बार काफी धक्का मुक्की उठा पटक के बीच भी तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में राजभवन के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। एक बड़ी बात, पहली बार कोई प्रोटेस्ट यहां तक पहुंचा है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कई नेता यहां पर हैं, उनसे भी कि जिस तरह की यह कार्रवाई हुई है। अंबा प्रसाद यहाँ पर, अंबा जी महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन और जिस तरह से सड़कों पर यह हुआ, तस्वीर क्या कहेंगे? देखिए ये तो तानाशाही है, और अगर हम लोग आम जन की आवाज़ अगर नहीं उठा सकते हैं, अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि आम जन की आवाज़ बंद कर दी जाए, उसको दबा दी जाए, महंगाई तो सर सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन हजारीबाग के सांसद बोलते हैं महंगाई कहाँ है, महंगाई उनको नहीं दिख रहा। तो हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है, हम सड़क से सदन तक इस बात को रखने का काम करेंगे। जी देखिए, सड़क से सदन तक आवाज बुलंद होगा, फिर से कोशिश हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पर पहुंचे। ये सीधी तस्वीर है, वापस एक बार फिर से पीछे किया गया है। आप देख सकते हैं सीधे राजभवन की तस्वीर। लगातार इस आंदोलन में कांग्रेस जो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस भवन से राजभवन तक का मार्च था। हम जुड़ने की कोशिश करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कि इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहेंगे और जो हाथापाई हुई है उस पर क्या उनका कहना होगा। देखिए सीधी तस्वीर, देखिए सीधी तस्वीर है। संभवतः नेताओं की अरेस्ट की मुस्तैद होना चाहिए था। अब डंडा लेके साइड होइए लोग कर रहे हैं। जो इनके पास इनपुट था उस आधार पर पहले सुरक्षा के व्यवस्था नहीं की, तो संभवतः गिरफ्तार कर लिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता, उन्हें यहां पर गिरफ्तार करके संभवतः जो जेल है उसमें ले जाने की कवायद चली। देख सकते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को डिटेन कर लिया गया, उनको चोट भी लगी है, संभवतः उनके चेहरे पे चोट भी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह है, ये डिटेन किया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, और यहाँ से डिटेन करके उनको ले जाया जाएगा। हम कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की कि अगर उनसे बात हो सके। तो ये सीधी तस्वीर राजभवन की, जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के विधायक रामचंद्र सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। हम जाने की कोशिश करते हैं उन तक कि आखिर ये क्या है। जी देखिए सीधी तस्वीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? नहीं देखिए, जिस तरह से हालात बने हुए हैं उस तरह से पूरे देश में इस तरह के हालात पैदा होंगे। आज कांग्रेस पार्टी के नेता निकले हैं, जनता निकली है, पूरा देश निकलेगा। और हम लोग राजभवन में राज्यपाल महोदय को बताने आए थे, ऐसी हरकतों को देखते हुए केंद्र सरकार को आगाह कीजिए वरना पूरा देश इसी तरह आग में जलेगा। देखिए महंगाई का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है, और आज जो भारत सरकार को जनाने आए हैं कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव में आया था आज वही मुद्दा गौण हो गया है, इसीलिए सरकार इस पर ध्यान दे और महंगाई कम करे। महंगाई को वापस लेना होगा। आज कांग्रेस ही नहीं पूरा देश सड़क पर है। तो आरती ये सीधी तस्वीर राजभवन का, जहां गिरफ्तार किए गए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ये वहां की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी ये जो हुआ है, जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है, धक्का मुक्की किया गया है, किस तरीके से यह देखिए बिल्कुल
प्रशासन के लोगों ने आज जिस प्रकार का व्यवहार किया है यह बिल्कुल नाकाबिल व्यवहार है। आप प्रशासन के लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारी धैर्य का परीक्षा ना लीजिए। अगर हमारी धैर्य का परीक्षा लीजिएगा तो पूरे देश में सुनामी आ जाएगा और इसको रोकने का मादा किसी भी दलों में नहीं है। भारतीय सबसे बड़ी खबर, अब नई सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री हिरासत में लिए गए हैं, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, इन तमाम लोगों को डिटेन किया है रांची पुलिस ने। राजभवन के में जो कांग्रेस का मार्च था महंगाई के खिलाफ, उस मार्च में शामिल तमाम नेताओं को एहतियातन यहां पर रांची पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी आरती, बिल्कुल हिरासत में लिया। और देखिए, अब दिल्ली की बात अगर करें, देखिए दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह से ये कहा, आपने भी सुना होगा विपिन, वो कह रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन इस पर अगर विपक्ष कुछ भी संसद में कहना चाहता तो संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सदन के बाहर अगर आप प्रोटेस्ट करो तो नेता और कार्यकर्ता अरेस्ट कर लिए जा रहे हैं, हिरासत में ले लिए जा रहे हैं। तो इन चीजों को सरकार को समझना होगा कि जनता अब इन चीजों को समझने लगी है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, चाहे वो बात महंगाई की हो या बेरोजगारी की। जी बिल्कुल आरती, जिस तरीके से कहा जाए पूरे देश में आज महंगाई समेत जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने के लिए कांग्रेस ही निकले हैं, यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर से राजभवन तक कांग्रेस को मार्च करना था। और आमतौर पर जो होता था कि जाकिर हुसैन पार्क जो है वहाँ पर रोक लिए जाते थे जो प्रदर्शनकारी थे, लेकिन आज राजभवन के मुख्य दरवाजे तक पहुँचना अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ डिटेन किया गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता जो कि सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन तमाम लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। और वो सीधी तस्वीर है इस बस में कांग्रेस, देखिए बादल पत्रलेख भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव, उमा शंकर अकेला, स्नेहा शिल्पी तिर्की जो अभी मांडर से नवनिर्वाचित विधायक है, तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी अब यहाँ पर हो चुकी है। और बस मंगाए गए हैं जो अन्य कांग्रेसी हैं उनको डिटेन करने के लिए। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से हम इसे कह सकते हैं महंगाई के मुद्दे पे। और शायद इसका आकलन करने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से चूक हो गई थी कि राजभवन के दरवाजे तक भी कोई इस तरह से आंदोलन करके पहुंच सकेगा। ये सीधी तस्वीर है, देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात कर लिए गए हैं राजभवन के बाहर, जो कि प्रोटेस्ट के दौरान देखने को नहीं मिला था। तो बड़ा आंदोलन था, डिटेन किया गया है, संभवतः इन्हें कहीं कैंप जेल में फिलहाल रखा जाएगा। आरती बिल्कुल, और अगर वहाँ कुछ नेता पहुंचे हैं विपिन, क्या उनसे बातचीत हो सकती है अगर वहाँ पहुंचे हैं? लेकिन इस बीच अगर बातचीत हमारी चलते रहे, एक सवाल ये भी है कि क्या सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से वहाँ नहीं की गई थी? थोड़ी सी चूक तो जरूर हुई है, जिस तरह से माहौल वहाँ पर अफरा तफरी का मचा, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अचानक से इतनी संख्या में पहुंच गए राजभवन के पास। जी देखिए, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम था आरती, और पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रशासन को भी सूचित किया जाता है। और जिस तरीके से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता एम तौसीफ हमारे साथ है। तौसीफ जी, अपनी सरकार में मंत्री डिटेन है। देखिए, ये केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश में जिस तरह से तानाशाही रवैया नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने अपना रखा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए पूरे देश में, उसी का एक झलक राजभवन पे देखने को मिला है। अब देखिए कि एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते जितने भी हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजेश ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लोग उतरे हुए हैं। और यहाँ पे जो महंगाई जिस तरह से पनीर पे, दूध पे, दही पे जीएसटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और कंटिन्यू इसके खिलाफ उतरते रहेंगे। और आप इसी सीरियसनेस को देखिए कि हमारी सरकार रहने के बावजूद हमारे मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम लोग कितने झारखंड की जनता और देश की जनता के लिए सीरियस हैं, कि देश की जनता कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। उसी की एक झलक है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गिरफ्तार जा रहे हैं, गिरफ्तारी देने, हाँ सारा लोग गिरफ्तारी देंगे। और इसमें जिस तरह से यहाँ पे मंत्री ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया है, गुच्छे का इजहार किया है, वो देखने लायक है। सुशील हमारे सहयोगी से हम चाहेंगे कि कई और विधायक जो आए हैं उनसे हम जुड़ते हैं इस बस में, देख सकते हैं सीधी तस्वीर बस में जहाँ कांग्रेस के लोग को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो कांग्रेस विधायक कई आए हैं, उनसे हम जुड़ेंगे सीधे, ये तस्वीर देख सकते हैं आप।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे पूरे देश में विरोधियों को गिरफ्तार किया जा रहा जो इस सरकार के खिलाफ में बोल सकते हैं, इनको एक्सक्लूसिव हम दे सकते हैं। विपिन क्या आवाज मिल रही है आपको? जी आरती, देखिए सीधी तस्वीर है और धक्के मुक्की में हमारा हेडफोन भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके वजह से अब आवाज थोड़े सही तरीके से नहीं आ पा रही। डिटेन करके ले जाया गया है यहाँ से, तमाम जो कांग्रेस कोटे के नेता यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, उनको हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के लगभग 10 से ज्यादा विधायक यहाँ पर डिटेन किए गए हैं। और जिस तरह से महंगाई के मुद्दे पर यह प्रोटेस्ट था, तो अब यहाँ से राजभवन के पास जो जमावड़ा था उसे प्रशासन ने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। जी आरती, बिल्कुल। और क्या अब भी वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के पहुंचने का सिलसिला जारी है क्या विपिन? जी बिल्कुल, कई कांग्रेस के और नेता यहां पर पहुंचे हैं महंगाई के विरोध में। किशोर जी, देशव्यापी आंदोलन है और जिस तरीके से पूरे देश में डिटेन किया गया है, ये क्या मैसेज है और कांग्रेस महंगाई के खिलाफ किस तरह से लड़ाई जारी रखेगी? देखिए, देश में अभी तानाशाही शासन चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का। जो जनता का मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था, इसको लेकर के हम आंदोलनरत हैं। और आपने देखा किस तरह से लोगों ने पूरे देश के अंदर में गिरफ्तारियां हुई है। ये मोदी सरकार डराना चाहती है, लोगों को धमकाना चाहती है, लेकिन हम मुद्दों पर राजनीति करेंगे और देश के जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति करेंगे। चलिए, किशोर साधे पूर्व प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस राजनीति करेगी। देखिए अभी भी धीरे धीरे करके जो अन्य कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और यहाँ से ले जाया जा रहा है। उन लोगों को जो कैंप जेल होगा वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर है, देख सकते हैं। SDO रांची कुछ बता रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। उस संबंध में जांच के उपरांत ही जो भी नियम संगत कार्रवाई होनी होगी। इस तरह से प्रदर्शनकारी राजभवन के गेट पहुंच जाना, अनुमति नहीं थी राजभवन के गेट तक आने की, नहीं होने अनुमति मांगी थी, न दी गई थी उनको। जाकिर हुसैन पार्क तक ही सीमित रहना था, उसके बावजूद उन्होंने बैरिकेड क्रॉस कर कर यहाँ आने का प्रयास किया। आगे जैसा मैंने कहा है, मेरी समझ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक चूक में सर की जिस तरह से मजिस्ट्रेट एंड बल का डेपुटेशन किया हुआ था, उनको सफिशियंट वार्निंग भी दी गई थी, स्टिल क्रॉस करने का प्रयास किया गया है, हम आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए, ये प्रशासनिक बयान आया है आरती, रांची के SDO थे, उन्होंने कहा है कि इन्हें अनुमति नहीं थी यहाँ तक आने के लिए, इसलिए जांच के बाद इस पर कार्रवाई करने की तैयारी है। जो रांची के SDO उन्होंने कही है कि अनुमति सिर्फ जाकिर हुसैन पार्क तक आने की थी, फोर्स डिप्लॉय किया गया था, लेकिन जब राजभवन मार्च पहुंचा था तो उस वक्त यहाँ पर ना के बराबर में सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर तमाम लोगों को तैनात किया गया। यही एक बड़ी वजह थी कि राजभवन के मुख्य मार्ग तक कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट था वो आज यहाँ पर पहुंचा है। जी आरती, चलिए आप बाकी अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड कांग्रेस का ये राजभवन मार्च, और जब ये इस मार्च की इजाजत यहां तक नहीं दी गई थी, लेकिन अचानक से नेता और कार्यकर्ता राजभवन के गेट तक पहुंच गए, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बनी थोड़ी देर के लिए। सुरक्षा बलों के साथ थोड़ी देर के लिए धक्का मुक्की भी हुई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की। इस बीच कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं इस प्रदर्शन के दौरान। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हिरासत में लिए गए हैं, विधायक दीपिका पांडे, और बताया आपको कि विधायक अनुप सिंह भी हिरासत में लिए गए हैं, और ये सभी पहुंचे थे राजभवन मार्च करने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।